उसने डिवोर्स देने से मना कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक टाइम था मैं 2 साल तक उसका कोर्ट में आने का वेट कर रही थी, जब मैं उसे पहली बार देखी थी ना कोर्ट में कि आया है, मेरे आँख में आंसू आ गए थे उसको देख के, और अब उसको देखती हूँ कौन है इसका अंजलि के साथ शादी नहीं होगा, इसकी माँ ने इसके लिए कोई दूसरी लड़की देखी है और उसकी माँ उसके साथ इसको शादी देना चाहती है। मेरी लाइफ खराब कर दिया, बच्ची का लाइफ, नहीं 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 सॉरी 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 मी थैंक यू अंजलि, मेरा लाइफ आज सेट है, सुपर्ब है, छोड़ मेरे हाल पे, बच्चे को तो पाल रही हूँ ना मैं, तेरी तो औकात नहीं बच्चे को पालने की, ना औकात है ना दिल है। मैं आज के डेट पे उस इंसान से इतना नफरत करती हूँ ना कि मेरे को वो अगर मर भी जाएगा ना आई डोंट केयर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आप सभी को, आप सभी कैसे हैं, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। लेकिन जैसे आप लोग को पता है कि मेरी लाइफ में एक बहुत घटिया इंसान निवास कर रहा है ना, जिसको जितना भी दूर करने की कोशिश करो, जब तुम खुद अलग हो गए हो तो तुमको अपनी लाइफ में फोकस करना चाहिए, अपने गोल्स में फोकस करना चाहिए, अपने फ्यूचर में, अपने करियर में फोकस करो, बट नहीं, उस इंसान को मेरे पीछे ही पड़ना है। पता नहीं क्या सुकून मिलता है, मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे को लगता है अंजलि नहीं है ना, आप लोग बताते हो स्टोरी क्या हुआ है। हम लोग कोर्ट में गए हुए थे, ठीक है, आप लोगों से पता है कि कोर्ट में डिवोर्स का केस चल रहा है, और मैं आप लोग को बोल के गई थी कि इस बार हमारी डिवोर्स की लास्ट काउंसलिंग है, स्पष्ट तरीके से मैं बोल के गई थी, क्योंकि डिवोर्स की मोस्टली तीन काउंसलिंग ही होती है। फर्स्ट काउंसलिंग में हम लोग को साथ में बिठाया गया था, बहुत सारी बातें हुई है फर्स्ट काउंसलिंग में, मतलब मैम सामने बैठती, मेरे से कुछ पूछिए, उससे कुछ पूछिए, फिर दोनों को आपस में अलग बिठाए, फिर हम लोग दोनों आपस में एक जगह बैठे, फिर वो हमारा बात करवा गया, फिर जब मैं वहाँ से नीचे उतरी, मेरे पीछे एकदम पहली बार ऐसा 2 साल में कि मेरे को बोलता है प्लीज़ मेरे को डिवोर्स दे दे, मेरे को डिवोर्स दे दे, और वो चीज़ मेरे को बाद में समझ आई कि वैसा क्यों बोल रहा था, क्योंकि जो उसकी गर्लफ्रेंड है ना, जिस लड़की के लिए उसने मुझे टच किया, वो फॉरेन कंट्री जा रही थी, और इन दोनों ने साथ में प्लान किया था कि इन लोग फॉरेन कंट्री जाने वाले हैं, और गेम ये हुआ कि प्यार इतना सच्चा है, इतना तगड़ा है, इतना स्ट्रांग प्यार है कि वो लड़की इसको छोड़ के खुद ही फॉरेन चली गई, फॉरेन भाग गई है। आप लोग बता दीजिए स्टोरी क्या हुआ, ऐसे आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये डिवोर्स के लिए पहले पागल था। अब जब इससे मैं कोर्ट में गई हुई थी ना, तो मैं कोर्ट में गई, फिर आप लोगों को तो बताई रिशु ने क्या किया उसको देख के, रिशु उसको देख के इतना डर गई जैसे मान लो किसी हैवान को देख लिया हो, इतना डर गई। फिर अब बताती हूँ डिवोर्स के मैटर में, ये होता है ना कि चलो ठीक है, उसको काउंसलिंग नहीं करवाना है, चलो ये लास्ट काउंसलिंग करवा लेते हैं, वो आया था बट उसने अब काउंसलिंग नहीं किया और उसने काउंसलिंग नहीं करवाया। मैंने मैम को बोला, अपने मैम को, कि मैम काउंसलिंग वगैरह नहीं होगी, तो बोलते हैं कि सामने वाले पक्ष से ही कुछ हो नहीं रहा है, तो काउंसलिंग का ऐसा कुछ सीन अभी नहीं बन रहा है। तो मैम बोली मैम फिर आगे काउंसलिंग, बोलते नहीं इसके बाद और काउंसलिंग नहीं होगा, यही बस लास्ट काउंसलिंग था, इसके बाद काउंसलिंग नहीं होगा, इसके बाद बस डेट मिलेगा। मैं बोली अच्छा, तो मैं बोली कि मैं सोच रही थी कि आज काउंसलिंग होगा, तो बोले काउंसलिंग होने से एक डिसीजन होता है ना, क्योंकि सामने काउंसलर मैम बैठती है, आपसे कुछ पूछती है, उससे कुछ पूछे, देखो डिवोर्स किसने फाइल किया, उसने फाइल किया ना, तो सामने वाला अगर डिवोर्स फाइल किया तो यहाँ पे मेरा बेस थोड़ा सा स्ट्रांग है, क्योंकि रहना उसको मेरे साथ नहीं था, मारा उसने मुझे मारा प्रेगनेंसी में, उसकी माँ ने मुझे मारा प्रेगनेंसी में, फिर दोनों ने मुझे घर से निकाल दिया, फिर ये मुझे प्रेगनेंसी हालत में घर में छोड़ के भाग गया, हर चीज़ सफ़र मैं की हूँ, उस बेस पे इन लोगों के ऊपर केस बना है, FIR दर्ज हुआ है, कोर्ट में गया है, अब ये खुद पहला डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया, मतलब मैंने जो इसके ऊपर एलिगेशन लगाया ये सारे सच है कि इसको नहीं रहना मेरे साथ। अब मैटर ये हुआ है, जो इंसान मेरे को डिवोर्स के लिए मरा जा रहा था, अभी वो डिवोर्स नहीं दे रहा है, उसके दो रीज़न है, उसने डिवोर्स देने से मना कर दिया है। अभी हाल ही में मैं कोर्ट में गई थी 27 तारीख को, क्या हुआ, जैसे हम लोग कोर्ट में गए ना, अब जैसे इस काउंसलिंग में उसने काउंसलिंग नहीं करवाई तो काउंसलिंग ख़त्म हो गया, अब मिलता है नेक्स्ट डेट, इसमें क्या करना, कुछ नहीं करना, बस मैंने जाना है साइन करना है, उसने आना है साइन करना है, अब साइन का सिलसिला चलता ही रहेगा, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल ऐसे ही चलता रहेगा, कब तक, जब तक
दोनों आपस में ये ना बोलते, मैं ना बोल दूं कि हाँ चाहिए डिवोर्स, वो ना बोलते कि हाँ चाहिए डिवोर्स, तब तक दोनों ने अगर रजामंदी कर ली आपस में बात करके, कोई अगर सेटलमेंट हो जाती है, चलो ठीक है इतना पर डिवोर्स करना है, तब जाकर डिवोर्स होगा, और मैं भी कुछ नहीं बोलूंगी, वो भी कुछ नहीं बोलेगा, तो केस यूं का यूं ही कोर्ट में चलता रहेगा, भले सालों बीत जाए। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ हुआ क्या। अब ये वाला डेट तो चला गया है ना, तो अब चाहिए नेक्स्ट डेट। तो नेक्स्ट डेट मुझे फरवरी के 23 तारीख को मिल रहा था, ठीक है। तो मैं तो तैयार थी भाई, मेरे को ना कोई जल्दबाजी और ना मेरे को कोई देरी हो रहा है, कुछ भी नहीं। इन लोग मना कर दी, नहीं इन लोगों को 23 फरवरी का डेट नहीं चाहिए, इन लोग और एक महीना पीछे चले गए। कब इन लोगों को 23 मार्च का डेट चाहिए, मार्च अप्रैल सोच रहे, मतलब कहाँ अप्रैल के आसपास। इसको अभी मतलब डिवोर्स देना ही नहीं है इसको भी, ये धीरे धीरे पीछे खिंच रहा है। जो जो इंसान डिवोर्स देने के लिए मरा जा रहा था, देना है देना है देना है, मतलब जो इंसान मेरे से 3 साल में बात नहीं किया, उसने मेरे से बात किया और मेरे से रिक्वेस्ट करने लगा कि मेरे को डिवोर्स दे दे डिवोर्स दे, अब वो इंसान डिवोर्स नहीं दे रहा है और धीरे धीरे डेट को खिसका रहा है। अरे भाई कोर्ट, हम लोग वेट करते हैं कि कोर्ट हमको जितना पास का डेट दे, है ना, क्योंकि पास का डेट मिलता है तो ये होता है कि केसेस सॉल्व जल्दी होते हैं, और मतलब कब तक वेट करेंगे। बट नहीं, जब मुझे पास का डेट मिला वो एक महीना और पीछे ले गया। इसको ना डिवोर्स नहीं देना है, मैं बता रही हूँ, उसका दो रीज़न है। सबसे पहला मेन तगड़ा रीज़न, क्योंकि डिवोर्स होने से पैसे देने पड़ते हैं, ठीक, और क्योंकि एक एलिमनी होती है, मैं तो मेरी बात नहीं कर रही, बट एक बेटी की बात, एक बेटी है, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट, खाना पीना का, पढ़ाई लिखाई, अभी धीरे धीरे देखिए, अभी धीरे धीरे खर्चा डबल हो गया है ना। आज से 10 साल पहले आप जाइए और अभी देखिए, हर चीज़ का प्राइस दुगना हो गया है, हर चीज़ का। तो उस हिसाब से 30 से 40 लाख बनता है ना एक बेटी का, वो थोड़ी देगा, जो अपनी बीवी को कभी 40 रुपये नहीं दिया, बच्ची को कहाँ से देगा। और अब आप लोग को बाद में और एक चीज़ बताऊँगी, उसने अभी और क्या किया है, ये हो गया है, ठीक। और दूसरा चीज़ है, अंजलि तो छोड़ के चली गई, अंजलि उसे छोड़ के चली गई, फॉरेन चली गई है। इन लोगों का हो गया है ब्रेकअप, देखिए उसकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मैं कभी पता नहीं करती, मैं कभी किसी को पूछती नहीं, क्योंकि मेरे को ना उसमें इंटरेस्ट है ना उसकी लाइफ में इंटरेस्ट है, मेरे को उस इंसान से कोई मतलब नहीं है। मैं आज के डेट पर उस इंसान से इतना नफरत करती हूँ ना कि मेरे को वो अगर मर भी जाएगा ना, आई डोंट केयर, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक टाइम था मैं 2 साल तक उसका कोर्ट में आने का वेट कर रही थी, जब मैं उसे पहली बार देखी थी ना कोर्ट में कि आया है, मेरे आँख में आंसू आ गए थे उसको देख के, और अब उसको देखती हूँ कौन है ऐसा, ऐसे रहता मेरा, मैं उसको देखती भी नहीं हूँ, मैं तो इस बार उसको देखी भी नहीं, सच में नहीं देखी मैं उसको। मैं बोली ना मीशो को लेके गई, फिर वो पीछे रीशो को देखा कि नहीं देखा, मैं उसको मुड़ के भी ऐसा नहीं देखी, जब सामने खड़ी हुई बाजू में खड़ा था तब एक होता है ना कि मतलब मैं यहाँ देख रही हूँ बट यहाँ का दिखता है, एक होता है ना, तो उस हिसाब से मेरे को दिखा कि उसने रिशु को नहीं देखा सब, मतलब उतना स्पष्ट तो मैं उसका सबर देख ही नहीं हूँ। उसकी लाइफ से मेरे को कोई मतलब नहीं, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कितनी गर्लफ्रेंड से कितना अफेयर से मेरे को कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, उसको मेरे लाइफ में बड़ा मतलब है, उसको मेरी लाइफ से मैं बड़ा इंटरेस्ट है। सुबह का ब्लॉग देखता है, शाम का ब्लॉग देखता है, जो मेरा और एक चैनल है शताब्दी राय ब्लॉग्स, उसमें जाके मेरी सारी की वीडियोस देखता है, कपड़े का वीडियोस देखता है, उसको इतना इंटरेस्ट है मेरी लाइफ में, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं क्या बताऊँ। ब्लॉग देख देख के उसका दिन ऐसा गुजर रहा है, नहीं तो उसका पेट खराब हो जाएगा ना, उसका पेट में जमाल घोटा हो जाएगा, और मेरा ब्लॉग देख देख के रिपोर्ट मारता है। आप लोगों को याद है अभी 2-3 दिन हुआ है, मैं एक ब्लॉग डाली थी कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे से ड्रेस लेके उन्होंने मुझे ही गिफ्ट किया है, बहुत इमोशनल ब्लॉग था कि 2 महीने में ऐसा पहली बार मेरे साथ हुआ है। और रिसेंटली अभी ये फ़िलहाल 3-4 महीने में मेरी उस वीडियो में सबसे ज़्यादा हाई रीच गया था, 17,000। मेरे वीडियोस में ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, बहुत कम आता है, 5,000-6,000 ऐसे आता है, बट वो वीडियो में 17,000 व्यूज़ गया था। सोचो उसने उस वीडियो में रिपोर्ट मार दिया। आज सुबह मैं नींद से उठी, उठ के देखती हूँ नोटिफिकेशन आई यूट्यूब से, खोल के देखती हूँ कि मेरा वीडियो डिलीट है। फिर जब मैं मेल चेक की तो मेल में देखती हूँ कि उसने उसमें रिपोर्ट किया हुआ है, तू और तेरी माँ प्रेगनेंसी में मारे, गला दबाए, पेट में मारे, घर से भगा दिए, और तू अपनी प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ के किसी और लड़की के साथ भाग गया। आज तेरी बीवी जहाँ पे भी है ना,
ये लोगों के सपोर्ट की वजह से, प्यार दुआ भगवान के आशीर्वाद की वजह से है। और आज जैसे भी करके दो रोटी तो खा रही है ना, और तू इतना गया गुजरा, इतना निठल्ला इंसान है, इतना हैवान है, तो उसमें भी तू लात मार रहा है। उसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो इस बिजनेस को रोक नहीं सकता है, लेकिन वो यूट्यूब चैनल को रोक सकता है। और उसको ये भी पता है कि जो बिजनेस है ना, ये यूट्यूब चैनल की वजह से ही चल रहा है, इसलिए वो सीधा टारगेट यूट्यूब चैनल पे कर रहा है। क्योंकि ये सारी ड्रेसेस, ये सारे सामान तो मैं यूट्यूब में दिखाती हूँ ना, और यूट्यूब में दिखा के ये सारे सामान सोल्ड हो रहे हैं, और वो उस यूट्यूब के पीछे पड़ा है कि यूट्यूब अगर जाएगा, अगर यूट्यूब गया तो इसका यूट्यूब भी ख़त्म और इसका बिजनेस का करियर भी ख़त्म, कुछ नहीं बचेगा इसके पास, क्योंकि इसने ऑलरेडी पहला चैनल डिलीट करवा चुका है। मर्द है कि औरत है तू ये बता? तू तो मेरे को ना मर्द लगता है ना औरत लगता है, तू तो ना मर्द ही होगा। एक औरत जो मेहनत, लिटरली आप लोग जानते हैं कि मैं कितना मेहनत कर रही हूँ, इतना मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास एक छोटी सी बच्ची है, उसकी जिम्मेवारी है, उसका फ्यूचर है, उसका करियर है, हर चीज़ मेरे पास है। मैं एक माँ और बाप दोनों का फ़र्ज निभा रही हूँ, दोनों का फ़र्ज निभा रही हूँ, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से कर रही हूँ, हर एक चीज़ कर रही हूँ, जितना मेरे से बनता मैं कर रही हूँ। लेकिन निठल्ला आदमी, निठल्ला बाप, इनह्यूमन आदमी ये मेरे चैनल के पीछे फिर पड़ गया, फिर रिपोर्ट कर रहा है। इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना कि बिजनेस सही चल रहा है, और मेरा इस वीडियो में सबसे ज़्यादा व्यूज़ था, उसको उसमें जलन हो गया, जलन के मारे उस वीडियो में उसने रिपोर्ट कर दिया है। अब मैं आप लोग बताती हूँ मेन बात, ये हुआ कि अंजलि से इसकी शादी होगी नहीं, ठीक है। देखिए मैं तो किसी से पता नहीं कर रही हूँ ना कि क्या हो रहा है, मेरे को फ़ोन आया है। अब देखिए जब तक ये बात है ना कि जब तक मैं अपने कानों से सुन ना लूँ, आँखों से देख ना लूँ, मैं भरोसा नहीं करती हूँ, मैं सही बताऊँ। लेकिन ये सुनी सुनाई बात है, बता दे रही हूँ मैं आप लोग को, इसका अंजलि के साथ शादी नहीं होगा। इसकी माँ ने इसके लिए कोई दूसरी लड़की देखी है, और उसकी माँ उसके साथ इसको शादी देना चाहती है, और अंजलि के साथ उसका जो करियर था वो पूरा क्रॉस हो चुका, पूरा ख़त्म हो चुका है, पूरा ख़त्म हो चुका है। तो तूने जिस अंजलि के लिए, जिस लड़की के लिए अपनी बीवी, प्रेग्नेंट बीवी को मारा, घर से निकाला, घर से छोड़ दिया, आज वही लड़की तुझे छोड़ के भाग गई। क्लैप, आप लोग ताली बजाओ, क्लैप। अब देखना तू जिंदगी भर रोएगा, तू, तेरी माँ, तेरे पाप, तुम लोग जिंदगी भर रोगे। तुम लोगों ने मुझे इतना रुलाया है ना, मैं इतना रोई हूँ ना, तिल तिल रोई हूँ मैं, तिल तिल। इवन अभी भी तू मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अभी भी ये आदमी चाहता है कि मैं और मेरी बेटी ना तरसे, खाने खाने को मोहताज हुए, खाने खाने को तरसे। इसलिए मेरा पहला चैनल डिलीट करवा दिया, दूसरे के पीछे पड़ा है, दूसरा बंद करवाएगा तो बिजनेस भी ठप हो जाएगा, इसीलिए वो ये सारा चीज़ कर रहा है। तू ना अपना कर्म कर, तू अपना कर्म कर, तेरे को सजा ईश्वर देगा। तुम लोग सुकून से कभी नहीं रह पाओगे, चैन की नींद तुम लोग कभी नहीं सो पाओगे। तू खुद देख ना, तू दूर है, दिल्ली में रहता है, अच्छा खासा 2-3 लाख का जॉब करता है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है, यहाँ वहाँ घूमता है, मौज करता है, मस्ती करता है, क्या तेरी ज़िंदगी में शांति है? तू सुख से रह रहा है? नहीं, तू बेचैन है, तू इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि तू मेरे वीडियो देखे बिना तो तेरे को रात को नींद भी नहीं आती। जो इंसान किसी को छोड़ता है ना, दिल से उसको छोड़ता है, वो जिंदा है कि मर रहा है, कि खा रहा है, कि पी रहा है, कि सक्सेस हो गया है, कि यूट्यूब चला रहा है, कि बिजनेस कर रहा है, कि भूखी है, कि क्या है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि तू क्या कर रहा है, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मगर तुझे देख, तू अंदर से इतना बेचैन है, इतना तू तड़प रहा है अंदर से कि तू मेरा वीडियो देखे ना तेरे को नींद ही नहीं आता, तू देखता है, रिपोर्ट करता है। तो काहे का छोड़ना हुआ, ये आधा अधूरा छोड़ा है? हाँ, तो ये है तेरा सजा जो ईश्वर तुझे दे रहा है कि तू छोड़ के भी ना तू नहीं रह पा रहा है, तू छोड़ के भी ना नहीं जी पा रहा है। तेरे दिल में, दिमाग में, तेरे पूरा ऊपर मेरा ही हर चीज हावी हुआ है, मैं ही तांडव कर रही हूँ, है ना? ये तेरी सजा ईश्वर ने तुझे दिया है। कितना अच्छा चीज है, डिवोर्स दे, अपनी बेटी के लिए एक अमाउंट रख, डिवोर्स दे, सब चीज खत्म कर। देखो शादी करना है, तेरी माँ ने जो लड़की देखा तू कर शादी उससे, क्योंकि अंजलि से तो तेरी होगी नहीं, वो तो भाग चुकी है तेरे को छोड़ के।
है ना, शादी कर, अपना लाइफ देख, आगे बढ़ कोर्ट कचहरी छोड़ के, और मेरे वीडियो में रिपोर्ट करना बंद कर दो। मगर नहीं, वो हमारी बंगाली में एक कहावत है, थोड़ा अलग टाइप से आप लोग मत लेना, मतलब बोलते हैं कि कुत्ता था कि ना कुत्ता, कुत्ता रहा ना गू खावा कोनो दिन छाड़े ना, रास्तर कुत्ता रहा। मतलब ये है कि बड़े हमारे बंगाली में बड़े बुजुर्ग से कह गए हैं कि आप किसी रास्ते से किसी कुत्ते को लेके आओगे ना, जो स्ट्रीट डॉग रहते हैं वो लोग ना कभी कभी गू भी खा लेते हैं, ठीक, तो उनको आप लेके आओ, घर में लेके आओ, पोसो, पालो, पोसो, अच्छे से शाही टुकड़ा खिलाओ, कभी अगर छुटा देखना जाके गू ही खाएगा वो पनीर नहीं खाएगा। तो ये ऐसा है, उसको कितना भी समझाओ, सुधारो, बोलो बोलो, कुछ भी करो, नक्कू नहीं नहीं, वो मारेगा ये रिपोर्ट। मेरे को तो ये समझ भी नहीं आ रहा है कि रहने दो, नहीं बोलूँगी, थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा। अच्छा बोल ही देती हूँ, ये अंजलि तेरे को क्यों छोड़ दी? वो तेरे को क्यों छोड़ के चली गई? तूने तो उसके लिए अपना लाइफ खराब कर दिया, मेरा लाइफ खराब कर दिया, बच्ची का लाइफ, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मी थैंक यू अंजलि, मेरा लाइफ आज सेट है, सुपर्ब है, भले दो रोटी खा रही हूँ नमक के साथ, बट सुपर्ब है एकदम। और तू जितना भी कोशिश कर मुझे गिराने की, मेरे YouTube चैनल को डैमेज करने की, बिजनेस को डैमेज करने का, गिराने का, तू जितना भी कोशिश कर, दूसरे को रुला के तू कभी हंस नहीं सकता, दूसरे का घर उजाड़ के, दूसरे से खाना छीन के, तू अपने मुंह में भी निवाला कभी नहीं ले सकता, कभी भी नहीं, कभी नहीं। अगर वो आज नहीं तो कल वो तेरे से छीनेगा ही छीनेगा, और तू एक दिन इतना रोएगा ना, इतना रोएगा ना, इतना रोएगा ना, तेरे आसपास कंधा नहीं होगा सर रखने के लिए, ये तू ज़रूर याद रखना। मैं अपने हर दो दिन बाद तेरे को बोलती हूँ कि मेरे वीडियो में रिपोर्ट मत कर, मत कर। मैं तो तेरे को सजा नहीं दे पा रही हूँ ना, ईश्वर तेरे को देगा, वो जब देगा ना तो खूब रोएगा, खूब रोएगा। मेरे को छोड़ मेरे हाल पे, बच्चे को तो पाल रही हूँ ना मैं, तेरी तो औकात नहीं बच्चे को पालने की, ना औकात है, ना दिल है, कुछ नहीं तेरे पास, मैं तो पाल रही हूँ ना, तो पालने दे ना भाई, पालने दे, उसको कपड़ा लत्ता, खाना पीना, हर चीज़ दे रही हूँ ना मैं, तो करने दे ना भाई, तू अपना देखना, तू क्यों पीछे पड़ा हुआ है? अब लगता है मेरे को यही करना पड़ेगा, जो हर एक लेडीज़ को ये अधिकार है, हर एक लेडीज़ को, कि एक औरत अपने ससुराल में रह के, अपने ससुराल में अच्छे से रह के, अपने इन लॉज के ऊपर कोर्ट केस करके उसी घर में रह सकती है। अब कल के डेट को मेरे पास अगर चैनल नहीं बचा, बिजनेस नहीं बचा, कुछ खाने पीने को नहीं बचा, मैं घर का रूम रेंट कहाँ से दूंगी, खाना पीना कैसे खाऊंगी? फिर तो मेरे को वो सेक्शन 12 सेक्शन 9 का सहारा लेके मेरे को फिर उसी घर में बैठ के केस लड़ना पड़ेगा, ताकि मेरा घर किराया भी बच जाए और मेरा खाना पीने का खर्चा भी बच जाए। क्या बोलते हो? हाँ सही है ना। इसने मैं टोटल दो वीडियो में रिपोर्ट किया, एक अभी जस्ट डिलीट हुई है और दूसरा मैं डिलीट होने नहीं दूंगी, मैं उसको थोड़ा सा अभी एडिट कर लेती हूँ ताकि वो डिलीट मत होए। उसमें क्या ज़्यादा व्यूज़, 7 के व्यूज़ है, लेकिन मेरे लिए भी बहुत मायने रखते 7 के व्यूज़। तू अपना कर्म कर और याद रखना, ईश्वर है, ईश्वर है। तो तू तो नास्तिक है ना, तेरे को तो पता भी नहीं सब चीज़, तुझे कहाँ से पता होगा।